हाई एवरी वन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम योर सनी हियर। आज मैं आपके साथ एक हेयर टॉनिक की रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। आपको शायद लग सकती है मेरा हेयर तो थोड़ा थिन है, कलर ट्रीटेड है, कभी कभी डैमेज्ड है, तो मैं हेयर के टॉनिक की रिव्यू कैसे कर सकती हूँ। एक्चुअली जो डैमेज्ड होती है ना, उसके ऊपर रिव्यूज़ बहुत अच्छे से, एक्सपेरिमेंट आप बहुत अच्छे से देख सकोगे। अगर आपको बेहतर कुछ रिजल्ट है तो वो प्रोडक्ट है अच्छा, सेफ़। अगर आपका हेयर पहले से ही सुंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका स्कैल्प इश्यूज़ नहीं है, हेयर फॉल नहीं है, तो आप अगर कोई ऐसा टॉनिक वगैरह यूज़ करो जो हेयर फॉल को कंट्रोल करने की चैलेंज लेती है, जो आपका हेयर रिग्रोथ की चैलेंज लेती है, तो आपको तो उतना नज़र नहीं आएगा ना। तो ऐसे ही बात है। तो मेरे चैनल में अगर कोई कमेंट करे तो डियर आपके तो हेयर में पहले से प्रॉब्लम है, या आपका तो उतना ज़्यादा डेंसिटी नहीं है, ऐसा आपका हेयर बहुत ही शॉर्ट है, तो डियर दिस इज़ द आइडल हेयर। जो टॉनिक वगैरह है ना, मैं अगर मेरे ऊपर सजेस्ट करूँ कि हाँ मेरे ऊपर काम किया है तो ही आप परचेस करना। आपका सुंदर हेयर है तो और भी ज़्यादा सुंदर होगा। और अगर आपका मेरी तरह हालत है, डैमेज्ड हेयर, हेयर फॉल की इशू, हेयर थोड़ा थिनिंग हो रही है, हेयर आपका रिग्रोथ में प्रॉब्लम है, हेयर शॉर्ट है, तो ये वाला प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है। और जिसे मैं रिकमेंड करूँगी वो वाला आपके ऊपर बहुत अच्छे से काम करेगा। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आपको क्या करनी है, रेड वाला फ्री बटन जो सब्सक्राइब का है उसे प्रेस कर दीजिए, जो टोटली फ्री है लेकिन आप लोग बिल्कुल नहीं करते हो। मैं आपके लिए इतना इतना नहीं बट थोड़ा सा तो करती हूँ हेल्प, तो ये तो बनता ही है ना फ्रेंडशिप में। तो आप थोड़ा सब्सक्राइब वाला फ्री बटन जो उसे प्रेस कर दीजिए, और उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए। मेरे चैनल में जो जो वीडियोज़ रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। तो चलिए, आज का जो वीडियो है वो एक बहुत ही फेमस ब्रांड के ऊपर है, जिसका रिसेंटली लास्ट 1 or 2 months बैक एक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लॉन्च हुई थी फॉर हेयर पर्पस। इन्होंने ये वाला ब्रांड जो है स्किन के अकॉर्ड, स्किन के लिए जो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स निकलना था अच्छे से निकल दिया। ऑर्डिनरी के साथ इसको कंपेयर किया जाती है, दिस इज़ द ब्रांड मिनिमलिस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। ऑर्डिनरी के साथ इसका कंपेयर होती है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, US प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट है, यहाँ पे मिलना थोड़ा दिक्कत होती है, मिलना होती है तो amazon.com में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और वो रियल है कि नहीं इतना भी लोगों को उतना भरोसा नहीं है। बट मिनिमलिस्ट जो है एक इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है इन्होंने, बहुत ज़्यादा नायसिनामाइड, अर्ब्यूटिन, रेटिनल, रेटिनॉइड, आपका विटामिन सी, मैं सब कुछ यूज़ कर चुकी हूँ एंड आई एम वेरी 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 सेटिस्फाइड। बैक टू बैक उनके रिव्यूज़ मैं आपके साथ ले आऊँगी। जो रेटिनल अभी मैं मिनिमल स्टार्ट किया हेयर से लेके, जो मेरे लिए टोटली डिसअपॉइंटिंग प्रोडक्ट है, बट जो फेस का मैं आपके साथ शुरू करूँगी ना, एक से बेहतर एक प्रोडक्ट की रिव्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा स्किन को टोटल चेंज कर देना, मेरा प्राइमर के साथ टोटली रिलेशनशिप ब्रेक करना, मेरा इतना सारा स्किन में जो इश्यूज़ था, जो पोर्स का और थोड़ा सा रैशेस का या थोड़ा सा टेक्सचर स्किन का फोरहेड में, वो बहुत अच्छे से इन्होंने सॉल्व कर दिया। लेकिन उससे ही मैंने बहुत अच्छे से इम्प्रेस्ड हुआ, मुझे इन्फ्लुएंस मिली कि हाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स ने तो फेस स्किन केयर में तो ये बहुत अच्छे से मेरा अव्वल नंबर हो गया। तो भी मैं, मेरा जो हेयर फॉल का इशू है, मानसून में थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है मेरे हेयर फॉल का इशू, इनका पानी भी बहुत गंदा है, तो ये जो प्रोडक्ट मैंने परचेज़ किया था, मुझे लगा ये मेरे हेयर के लिए भी मेरा प्लस होगा, बट डियर ये पूरा खाली हो गई है, 1 or 2 drops बचा है आपको दिखाने के लिए। ये मैं अभी जाके वीडियो के बाद में से फेंकूँगी ट्रश में, बिकॉज आई रियली हेट दिस प्रोडक्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉट ओनली द टेक्स्चर, ऑयली तो ये है ही, दिस इज नॉट अ सीरम, दिस इज अ ऑयल, आप बेटर कह सकते हो। अगर मेरी तरह ऑयली स्कैल्प है, ऑयली हेयर है, तो प्लीज़ इसमें इन्वेस्ट मत कीजिएगा, दिस इज़ एक्सपेंसिव ऑल्सो, सिर्फ कौन सा एंड कौन सी है इसकी। हाँ एक बात, आई एम वेरी सॉरी, आप अगर मिनिमलिस्ट के फ़ैन हो, स्पेशली ये प्रोडक्ट के फ़ैन हो, तो डियर दिस इज़ नॉट फॉर यू, ये वाला वीडियो आपके लिए नहीं है। मिनिमलिस्ट मैं भी हूँ, सिर्फ स्किन केयर के लिए, हेयर के लिए नहीं। तो मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, मैं पिछले 1 महीने से इसे यूज़ कर रही हूँ, मोर देन 1 month कोई काम नहीं आया। तो अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बता दूँ इसमें है क्या, फिर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस प्रॉस एंड कॉन्स बताऊँगी। तो दिस इज़ फ्रॉम मिनिमलिस्ट हेयर ग्रोथ एक्टिव 18% हेयर सीरम, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, 30 ml का है प्रोडक्ट। इसमें स्किन इस बार यहाँ पे इसका बार कोड, और यहाँ पे minimalist.com में आप जाके इसमें जो इन डिटेल्स जो है प्रोडक्ट के बारे में आप जान सकते हो, और यहाँ पे काफ़ी छोटा छोटा करके इंग्रेडिएंट्स है, आप इसके साइड में जाके डियर देख लेना थोड़ा, और मैं पॉसिबल हो तो थोड़ा क्लोज करके दिखा दूँगी। कैस्टर ऑयल भी है इसमें, हाइड्रोजेनेटेड, एंड इसमें है एक्वा एंड ग्लाइकॉल है,
सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, आई मीन मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगी, दिस इज क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट। और एक्टिव सोर्सेस कहाँ पे लिया गया है, कौन सा प्रोडक्ट है इसमें, मैं थोड़ा सा आपको शेयर कर दूंगी। इसका जो पैकेजिंग है मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, बहुत ही ब्लर डल एंड बहुत ही ऑर्डिनरी टाइप का है, बट इट्स ओके। प्रोडक्ट अच्छा हो तो उसका ज़्यादा पैकेजिंग के ऊपर उसमें नज़र नहीं जाती है। जैसे कि बाकी का जो स्किन केयर है, मैं इसको परचेज़ करते करते 2 टाइम किया, अभी वो सब भी ख़त्म होने वाली है, तो इसलिए मैं उसके ऊपर अभी आराम से वीडियो बनाऊँगी। बट ये जो ना, मैं इसे सेकेंड टाइम परचेज़ तो नहीं करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ सुपर एक्सपेंसिव, इसका प्राइस आइडिया 799 आपको बता दूँ, और इसका क्वांटिटी है आपको जो बता, ये 30 ml के प्रोडक्ट है और प्राइस है 800, 799। इसके ऊपर डिस्काउंट भी नहीं मिली थी, तभी न्यू लॉन्च था, तो मैंने 800 rupees टोटली टोटली बर्बाद किया। इससे बेटर था मैं दूसरा कोई सीरम एक्टिव या कुछ टॉनिक वगैरह फर्टिलाइजर वगैरह लगाऊँ तो स्किन में शायद अभी हेयर में शायद कुछ बदलाव आती। तो ये जो बात है ये करती है कि आपका हेयर लाइन्स जो यहाँ पे थोड़ा सा पतला हो गई है, आपका बॉल्ड स्पॉट्स है, आपका हेयर लॉस, हेयर फॉल की सीवियर कुछ प्रॉब्लम है, तो उसमें धीरे 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 आपका प्रॉब्लम को घटाएगी, आपका हेयर ग्रोथ करवाएगी, रीग्रोथ करवाएगी। लेकिन रीग्रोथ तो छोड़ ही दीजिए, जितना दिन मैं इसे लगाया, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ वेरी स्टिकी। मैं एक एक करके कॉन्स शेयर करती हूँ। प्रॉस तो इसका है नहीं, सिर्फ ब्रांड है अच्छा, ये प्रॉस है, और ये क्रुएल्टी फ्री है, ये प्रॉस है। डार्क बॉटल में आती है, आपका पैकेजिंग अच्छी है, ड्रॉपर सिस्टम में इजी टू एप्लीकेशन है, दीज आर द प्रोसेस। अदरवाइज काम के मुताबिक अगर मैं बोलूँ, ये मेरे लिए ज़ीरो है, कॉन्स से भरा हुआ। फर्स्ट है दिस इज़ ए वेरी स्टिकी ऑयली बेस्ड प्रोडक्ट, सेकेंडली है दिस इज़ हाईली एक्सपेंसिव, थर्ड है इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलती है। आप डेली लगाओ तो आपको डेली शैम्पू करना पड़ेगा, इफ़ यू हैव ऑयली स्कैल्प एंड ऑयली हेयर, जो आपके हेयर को और भी ज़्यादा डैमेज करेगी, बिकॉज डेली शैम्पू करना वी डोंट नीड, मेरे हमारे स्कैल्प के लिए, हेयर के लिए नहीं है। मेरा तो जैसे कि ऑयली स्कैल्प एंड ड्राई हेयर, मैं रोज़ शैम्पू करूँ तो मेरा हेयर फॉल और भी ज़्यादा होगा, तो रीग्रोथ से ज़्यादा तो और भी ज़्यादा रीफॉल हो जाएगा, इतना ज़्यादा फॉल होगा तो मैं क्या करूँ फिर। तो और एक जो बात है इसका, जो ये बिल्कुल भी हेयर फॉल को स्टॉप नहीं करती है, हेयर रीग्रोथ भी नहीं करती है, पाँचों पाँच के कौन सी कौन से है। तो मेरा अगर मैं बताऊँ, आपका ये हेयर लाइन जो पीछे जा रही है, जो लॉस हो रही है, हेयर लॉस, आपका डेंसिटी कम हो रही है, बन यहाँ से लेके यहाँ होगी, आप सोचोगे इसे लगा के होगा, प्लीज़ डोंट इन्वेस्ट ऑन इट। आप मेरी बात सुनो, आपके लिए नहीं है, लेकिन आप अगर, आपके पैसा आपकी मर्जी, आप चाहो तो मिनिमलिस्ट के ऊपर पैसा दे सकते हो, दिस अप टू यू। मेरा काम है आपको थोड़ा सेफ साइड में रखना, आपको सावधानवाणी देना, मैं वही दे रही हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगा इसके साथ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी डैमेज हेयर है, जैसे मैं बिगिनिंग में स्टार्ट किया, मेरी हेयर ख़राब है, इसको अगर कुछ इंप्रूव करती तो ये प्रोडक्ट को मैं 100% रिकमेंड करती, कि मेरे ऊपर काम किया, थोड़ा सा भी किया तो और भी ज़्यादा करेगा, और आपके ऊपर तो फुल्ली करेगा। तो लेकिन मेरे ऊपर तो बिल्कुल से काम नहीं किया, तो आप क्यों पैसा बर्बाद करोगे इसके ऊपर। तो ये टोटली, मैं तो इसे रिपर्चेस तो नहीं करूँगी, ये रिकमेंड में नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे लिए कुछ भी फ़ायदा नहीं दिया, ना ही मुझे लगा। और एक बात कहूँ तो इसे मैंने जब से यूज़ किया ना, अभी बंद कर चुकी हूँ, लास्ट 2-3 weeks में मेरा हेयर फॉल थोड़ा सा कम हुआ। मैं जब इसे लगाती थी मेरा हेयर फॉल उसके ऊपर और बढ़ गई थी, हेयर लॉस में जा चुकी थी, और यहाँ पे कुछ तो नहीं आया, एक भी बेबी हेयर का नज़र नहीं आया, स्किन को सॉफ्ट भी नहीं बनाती है। और एक दिन मैं रखूँगी ना, उसका नेक्स्ट दिन मैं सोचूँ तो नहीं शैम्पू करूँ तो स्टिकी हो जाती है हेयर, और तब मैं कोमी करूँ और ज़्यादा हेयर फॉल होती है। तो यू हैव टू यूज़, अगर आप इसे परचेस करो, आपको रोज़ शैम्पू करनी है, तो प्लीज़ इसे सोच के परचेस कीजिएगा। मेरे लिए दिस इज़ अ टोटल डिज़ास्टर, वर्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम मिनिमलिस्ट। अगर हो सके मिनिमलिस्ट, आई एम बिग फैन, मैं आपके स्किन केयर के ब्रांड की, आपके ब्रांड के स्किन केयर के ऊपर बहुत सारा वीडियोस अभी लाने वाली हूँ मेरे चैनल में, बट ये कोई कोलाबोरेशन नहीं है, कोई पीआर में नहीं मिला है, कोई भी प्रोमोशनल एड वाला कुछ नहीं है, पैसा नहीं मिला है मुझे ब्रांड से, तो मैं खुद से खरीदी हूँ, आई एम वेरी इंप्रेस्ड। बट ये वाला प्रोडक्ट को थोड़ा चेंज कीजिए, टेक्स्चर चेंज कीजिए, क्वालिटी टेक्स्चर चेंज कीजिए, इसको थोड़ा एक्टिव बनाइए, सच में एक्टिव बनाइए, ताकि हमारे जैसे जिनको ज़रूरत है हेयर को प्रॉब्लम के मिटाने की, उसका परफेक्ट सोल्यूशन बना के फिर से लॉन्च कीजिए, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट। तो आई होप यू हैव एन्जॉयड माई दिस वीडियो, अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।